बहुत से लोग किचन गार्डनिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि छत के ऊपर पक्षी और बंदर सब्जियों को खराब कर देते हैं। अब हम हर वक्त छत के ऊपर बैठकर सब्जियों की रखवाली नहीं कर सकते, तो आखिर छत पर उगाई गई सब्जियों को पक्षी और बंदरों से कैसे बचाया जाए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख पाएं। अंजलि मलिक किचन गार्डन की एक्सपर्ट हैं और साथ ही ऑर्गेनिक खेती करने की ट्रेनिंग भी देती हैं। तो जो मैंने पहले मेरी वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के कि छत पे सीपेज आ जाती है या मॉन्कीज है, पीकॉक है, पिजन है, उस वजह से कुछ लोग नहीं कर पा रहे छत के होते हुए। तो ये जो आज मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ उसमें उन सब का सोल्यूशन है हमारे पास। ये देखिए, ये छत में हमने जो इन्होंने हौदिया बनाई है और उसमें हमने ये जो ड्रम रख दिए हैं काट के, आप इधर देखें इस नीचे स्टैंड है, इसमें ड्रम के नीचे भी स्टैंड है। तो जो इसमें स्टैंड है उससे पानी आपका नीचे नहीं जाता है और ड्रम से जो पानी नीचे जाता है, नीचे से हमने बाहर इधर कहीं वो देखिए निकास रखा है, यहाँ पे ये निकासी का रखा है हमने, यहाँ से पानी बाहर निकलता है। तो जो छत में सीपेज की प्रॉब्लम है वो इससे बिल्कुल भी नहीं आपको आएगी। जो एक प्रॉब्लम आपकी बंदर और उसकी थी, पीकॉक की, आए थे मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन, तो इस तरह से जाल लगा के हम बंदरों से इसको बचा सकते हैं। इस तरह कोई भी इंसेक्ट हमें परेशान नहीं करेगा और धूप भी अच्छी आ रही है। और अगर इसका और भी एक बेनिफिट है, अगर कभी बहुत तेज़ बारिश आती है या बहुत ठंड पड़ती है तो इसके ऊपर आप कपड़ा डाल के इसको ढक सकते हो, तो थोड़ा सा और इसे कोजी बना सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए सुधीर गुप्ता जी से मैं आपको मिलवाती हूँ, ये उन्हीं की छत है। आइए सुधीर जी। ये है सुधीर गुप्ता। सुधीर गुप्ता अपने घर की छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं। सुधीर गुप्ता ने अपने टेरेस गार्डन में उगी सब्जियों को पक्षियों और बंदरों से बचाने के लिए लोहे की जाली से कवर कर रखा है। सुधीर गुप्ता ने अंजलि मलिक से ही ट्रेनिंग लेकर किचन गार्डनिंग करना शुरू किया था। बेसिकली क्या कि मुझे शौक है इन चीज़ों का। एक ये जो टेरेस गार्डन का दिमाग में मेरे काफ़ी टाइम से था, तो मुझे ये अल्टीमेटली मैंने जाल बनवाया क्योंकि यहाँ पहले मंकीज वगैरह बहुत आते थे, जैसे अंजलि ने कहा कि पिजन्स हैं या पीकॉक वगैरह हैं, इस टाइप की चीज़ें अनवांटेड चीज़ें जो हमें अवॉइड, हमें जो इसको बचाना था। तो अल्टीमेटली मैंने जब ये जाल बनवाया तो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुई बंदर वगैरह आके, फिर अल्टीमेटली उनका आना ही बंद हो गया क्योंकि उनको चीज़ खाने के नहीं मिलती थी। सो बेसिकली इससे मुझे बहुत संतुष्टता है और इसमें क्वालिटी ऑफ जो इनको प्लांट्स वगैरह नीड है वो इनको मिल रही है उनको, और इसके अंदर जो भी चीज़ बेसिकली सारी चीज़ें साफ वगैरह मिल जाती हैं और मुझे इतनी टेंशन भी लेनी पड़ती। सो इस तरीके से ये मैंने शुरू किया और ये मेरा होगा जी अप्रॉक्सीमेट कोई 40 फीट बाई 5 फीट इसकी विड्थ होगी, 40 फीट लेंथ होगी इसकी, और हाइट है इसकी अप्रॉक्सीमेट कोई 7 फीट या 6.5 फुट होगी अप्रॉक्सीमेट। इसमें तो फ़ायदे जैसे है कि अब एक तो इसका वेंटिलेशन पूरा आता है इसको, दूसरी बात इसमें सफाई रहती है, एक कोई टेंशन नहीं है भी कि बंदर आ गए, इससे बंदरों का छुटकारा मिल गया और इस तरह के बर्ड्स वगैरह हैं उससे बड़ा फ़ायदा रहता है। और एक चीज़ ग्रो करती है, जैसे विंड्स वगैरह भी तेज आ जाती हैं तो एक सिमेट्रिकली इतना वो चीज़ नहीं आती, मतलब एक बेटर पोजीशन रहती है इसकी, एक स्टेबिलिटी रहती है प्लांट्स को भी और एक सफाई भी रहती है अलग से, एक अलग पोर्शन में अलग नज़र भी आती है, एक ब्यूटीफाई भी हो जाता है। सो इस लिहाज से हर टाइप के ऐसे मैंने कम्फर्ट देखे तो मैंने इसको इस सिस्टम को अडॉप्ट किया और मैं यही चाहूँगा कि किसी का अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो दे मस्ट अडॉप्ट द सिस्टम और इसमें उसको फ़ायदा ही मिलेंगे, टेंशन से रिलीफ भी मिलेंगे उसको। ऐसा था जी, एक बार मैं कहीं गया हुआ था तो मैंने वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें देखी तो मेरे दिमाग में आई, कुछ ड्रम्स कटे हुए देखे, सो मैंने कहा क्यों नहीं हम ये काम कर सकते हैं। सो फिर मैंने ड्रम्स कहीं से कॉन्टैक्ट करने के बाद ड्रम्स लिए, उनको कटवाया मैंने उसी अकॉर्डिंग टू द साइज़, और उसमें मुझे कुछ बेटर लगा तो फिर मैंने ड्रम्स का आइडिया लेके इसमें गंदगी भी नहीं होती और जितनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से चीज़ ग्रो भी कर जाती है और ब्यूटीफाई भी हो जाता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। और रही जाल की बात, वो मैंने आपको बताया कि जब बंदर वगैरह हैं इस वजह से इसकी सेफ्टी हो जाती है और कभी धूप ज़्यादा आ रही है तो उसे हम उसको ढक सकते हैं, कवर कर सकते हैं, और या कभी पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा तो पौधों की रिक्वायरमेंट वैसे उस हिसाब से उसकी शेप बना देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।